ओडिशाकु स्वागत एबे आसंतु खबर अभियान को आगु बढ़ाइबा पार्वण पई परिवर्तन हेबनी गाइडलाइन बढ़िबनी मूर्तिर उच्चता निरारंबर भावे पाड़ा पर्व अर्थात मूर्तिर उच्चता से 4 फुट्रे सीमित रहिबो एने आज राज्यवासी को अपील करिसंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना प्रथम लहर पर द्वितीय लहर एवं चली आगक तृतीय लहर आसवर संभावना अच्छी यहाँ नजर रखी राज्य सरकार पार्वण गाइडलाइन जारी करते मूर्तिर उच्चता साजसज्जा नहीं सरकार पक्षर कटक जारी करा तेणु अगस्ट 9 तारीख में राज्य सरकार जो गाइडलाइन जारी करते बलबत्तर रहा सेपटे मूर्तिर उच्चता बिवाद को नहीं किछिदिन तले कटकर लोकप्रतिनिधि और पूजा कमिटी सरकार सहित आलोचना करते सरकार दुई दिन भितर एने निष्पत्ति ने आज राज्य सरकार पूजापाई आभिमुख्य स्पष्ट कर मूर्तिर उच्चता को 4 फुट्रे सीमित रखा निष्पत्ति राज्य सरकार बलबत्तर रही से भली आसंता काली पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई अच्छी एपं समस्त कोविड गाइडलाइन मानि नुआखाई पालन करने अपील करिछंती एसआरसी कोरोनार द्वितीय लहर एपर्यंत शेष होना विश्वर विभिन्न राष्ट्र में पुणी कोरोनार प्रभाव बढ़ी केरल में दैनिक संक्रमण 30,000 रु ऊपर रहुछि सेठारे ओनाम पर्वर परवर्ती समय पुणी संक्रमण बढ़ी तेणु ओनाम एवं कुंभ मेलारु बहुत किछि सिखिबार अछि कोनोसी पार्वण रे भिड़ ही संक्रमण मुख्य कारण कोविड विरोधी लड़ाई में समस्त सहयोग कामना करिछंती एसआरसी आउ किछि दिन टिके कष्ट करिबा जहाँ जमी सरकार निर्देशनामा देइछंती ता जनसाधारण हित दृष्टि देइछंती से हित पई आमे समस्ते किछि किछि सैक्रिफाइस करिबा एवं सरकार जो निष्पत्ति थिला आमे निराडम्बर सहकारे दुर्गा पूजा करिबा बा समस्त पूजा करिबा आगामी पूजा जहाँ सब अच्छी पूजा करिबा पर्वपर्वाणी निराडम्बर भाव पालन करिबा भिड़ करिबा नहीं जो सरकार अगस्ट 9 तारीख गाइडलाइन जहाँ थिला 4 फुट्र मूर्ति करी तार भितर आमे एही वर्षटी समस्ते टिके पालन करिबा एथिर अवश्य समस्त मनरे टिके दुख रहिबो से दुख को आमे हृदयंगम करुचु किंतु विशेष जनस्वास्थ्य को आखिरे रखी आम समस्त मंगल पाई आमे से रिलैक्सेशन देवाई सक्षम हो पार से आमे दुखित आमे समस्त पाखे क्षमा अवगत कराइलु आमे समस्त आवेग को हृदयंगम करूँ आम समस्त इच्छा भल भाव पूजा हो भगवान पूजा भल हेले पृथ्वीर मंगल हम यहाँ आम समस्ते जाचे तेज परिस्थितर जो करा अवस्था आमे जो गोटे असंभव परिस्थिति दे गति करचे से ही समय आमे केवल माँ को डाकिबा भगवान को डाकिबा जे प्रभु आमको केमती सुधारी दियो आमको भलरे आम दिन कटे दियो भाव पालन करवा किंतु कोविड रो सतर्कतामूलक पदक्षेप जहाँ अच्छी ताकू पालन करी आमे परिवार सहित परिवार भितरे नुआखाई पालन करवा एवं जदि मंदिर को जाउछंती तबे मंदिर रे कोविड रो समस्त नियम मानिके आमे पूजार्चना करिबा एवं सर्वसाधारण भिड़ जमेबा नहीं एकत्रित होबा नहीं एवं नुआखाई भली सुंदर पर्व को पालन कला बेले आमे भविष्य रे एकाठी भिड़ भितर को न जाई आमे निज परिवार निज गाँ निज जिला एवं आम राज्य को भविष्यतर कोविड सम्बन्धी जो कष्टरु बचेबारे सहायक हे यही परिस्थिति रे जेतबेले आम द्वितीय लहर चली तृतीय लहर रो संभावना बहुत अधिक अच्छी आमे केरल रे जो भली देखुचे अन्य जगह जो भली देखुचे ताकू आखिरे रखी आमे समस्ते सतर्क नहले पुणी विपद आम मुंडु को आमे निजे आनी पर टाणी आउ चलिबनी नाली आखी दादागिरी करी ओडिशा को कब्जा कले भोगिबा पई पड़िबो परिणति अनुप्रवेश कले दियाजिबो कड़ा जवाब गजपति जिला गंगाबाड़ पंचायत रे आंध्रर मंत्री गजपतिर अतिरिक्त जिलापालों को धमक चमक देबा परे राज्य में राजनैतिक दल भितर सृष्टि होइछि एभली प्रतिक्रिया एवं उद्वेग किंतु आश्चर्य कथा आंध्रर ई औद्धत्य परे भी राज्य सरकार पक्षर पड़ोशी मंत्री विरोध में नि कौनसी कार्यानुष्ठान don't have any proof I will demolish this building on this spot you understand that yeah, me don't hesitate what's happening here yaar me chupi sir me ओडिशा रो केंद्र उड़ाई देबु विरोध कले बांधि नेबु आंध्र आपणाइछि अनुप्रवेश रो एभली नुआ तरीका आखि देखाई धमक देई ओडिशा रो माटी को करूछि दखल
ओडिशा अधिकारी को खोला चैलेंज देउछंती आंध्रर मंत्री। कळ बळ लगाई करुछंती अनुप्रवेश। गजपति जिला रायगढ़ ब्लॉक माणिकपाटण रे जबरदस्त अस्थायी अंगनवाड़ी केन्द्र स्थापन करने सह जिलार वरिष्ठ अधिकारी अपमान दे चलीगले आंध्रर मंत्री एस आपलराजु। 24 घंटा बीतीगला पड़ोसी राज्यर यह सांघातिक कारनामा विरोध में एजाए होना कौन आक्शन। आंध्रमंत्री विरोध में एतलाटीए देवाक भी साहस कर गजपति प्रशासन केवल घटना संपर्क में राज्य सरकार को चिठी लिखि चुप बसी जा। 30 वर्ष धरी चली आंध्र ओडिशा छका पंझा। गंगाबाड़ पंचायत और माणिकपाटणा गांव को ओडिशा पटु सीधासलख रास्ता खंडे ना जो एठाकार लोके आंध्र उपरे संपूर्ण भाव निर्भरशील जहार फायदा उठाई अनुदान अनुकंपा और सरकारी योजनार वर्षा कर लोक निज पट को टाणी ने आंध्र सरकार। आम पहुँची लोक मैंने कथबार्ता करूँ इन द मेन टाइम से आसी से जो आसिक जो भाया कले से आज जानते से 200-300 लोक नहीं आसते कि सागर डिस्कसन कलापर आम ऊपर लेवल डिस्कसन जहाँ हम आमिकेबल सटल होगा चाहूँ आम झगड़ा झाटी कर जगह विषय तुटा चाहूँ सीए तर व्यक्तिगत आचरण मंत्री हिसाब से जो प्रदर्शन करवा कथा जो धैर्य रहा कथा जो सम्मान बोध रहा कथा से भूल करम प्रशासनिक अधिकारी का भूल करना एभली एक परिस्थिति होवापी पूरापूरी आंध्र अधिकारी माने दायी। कोटिया परे गजपति गोटिए परे गोटिए अंचल रे आंध्र करुछि दादागिरी। कांग्रेस नेता प्रदीप माझी कहिसंती एबे राज्य सरकार चुप न बसी तार कड़ा जवाब देबा दरकार। बीजेपी नेता प्रदीप पुरोहितंक कहिबा कथा आंध्रर मंत्री ओडिशा अधिकारी को खोला चैलेंज देबा प्रमाणित करुछि। स्थानीय प्रशासन हाथ में सीमा सुरक्षा को टेकी दे चुप बसुछंती राज्य सरकार। एबे सर्वदलीय बैठक डाकी ओडिशार माटी को सुरक्षा देवाई योजना करने दरकार। जोपरी भाव में आदिवासी बहुल जिला मानक जो निरीह जनसार बसवास कर गोटे पर गोटे अंचल पर आक्रमण कर मंत्री विधायक से प्रशासनिक अधिकारी पुलिस एम को मुँह तोड़ जवाब देवार समय पलैसी कोटिया जपरी भाव में अभिभक्त कोरापुट जिलार लोक जा प्रतिरोध कले से गजपति गंजाम जिलार लोक जा माणिकपाटना प्रतिरोध करूँ। मत तो आश्चर्य लगुच जे ओडिशा सरकार किभली निरवदष्ट साजिश सरकार जेतेबेले सीमारे घर घर विवाद चली आंध्र प्रदेश दादागिरी चली ओडिशा सरकार केवल तहसीलदार वीडियो एमानको पठाई देकर हाथ बांधिक चुप होकर बसिंट सर्वदलीय बैठक डाकिबा कथा राज्य सरकार सब दल लोके एकजुट होकर निजर सीमा को बचाइबा कथा। सीमा टपिछ आंध्र औदत्य आईन कानून को उपेक्षा कर हिंसार रास्ता अपनाऊ पड़ोसी प्रशासन तथापि ओडिशा सरकार नीरव रहिबा सबु महलरे सृष्टि करिछि उद्वेग। नवरंगपुर महेश्वर बेहरा भुवनेश्वर मनोज जेना एवं गजपति वासुदेव दास न्यूज 18 ओडिया। सुनापुओ प्रमोद भगत को संबर्धना। टोकियो ओलंपिक्स बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे संबर्धित करिछंती मुख्यमंत्री। एहि अवसर में मुख्यमंत्री प्रमोद को 6 कोटी टंकार चेक देइछंती। मुख्यमंत्री संबर्धना परे सांबादिक सम्मेलन में प्रमोद भगत कहते कि स्वर्ण पदक जितिबा पछरे ओडिशा सरकार सहयोग रही ओडिशा रे आहुरी अनेक प्रमोद भगत प्रस्तुत हुवंतु सफल हुवंतु या सहित तो निज गाँ अताबिरारे स्टेडियम करिबा पई सरकार को अनुरोध करिसंती प्रमोद। मु एई गोल्ड मेडल श्रेय सारा ओडिशा को देवी हो पई कि तांकरी ट्रस्ट थिला आ तांकरी गुड विल गुड लक थिला गुड विशेष थिला जद्वारा कि मुझे जाते भल खेली पार्ली आउ लास्ट जीति पार्ली 20 वर्षर तपस्या रे मुझे सफल होती गोल्ड मेडल आने की प्रोत्साहन मते आगामी दिन में आउ बहुत गुड़ाए प्रमोद भगत मध्ये बाहरी पारे कौपाईक आशा आउ टे बढ़ीज सर्वस्व देखिए आम ओडिशा राज्यपाई मेडल आने को चेष्टा करेंगे। सुनापुओ प्रमोद भगत भुवनेश्वर विमानबंदर पहुंचा पर भव्य स्वागत संबर्धना दिया जाएगा। प्रमोद को स्वागत करने विमानबंदर पहुंची विधायिका स्नेहांगिनी छुरिया समेत बहु शुभेच्छु एवं क्रीड़ाप्रेमी पुष्पसज्जित एक गाड़ी में बसाई प्रमोद को शोभायात्रा कलिंग स्टेडियम घर को फेरिले सुनापुओ। टोकियो पारा ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक धरी ओडिशा बाहुरिले प्रमोद भगत
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ନାଚ ଗୀତରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସର। ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଆଉ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିପାରିଲି। ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଟୋକିଓ ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କେବେ ବି ଓହରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକାଡେମୀ କରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ଗୌରବ ଜଣେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେଇଟା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି କିଛି ଗୌରବ ଆଣିବେ, ସେମିତି ଛାତଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସେ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥିବା କହୁଥିବା ମୂର୍ଖ ତାଲିବାନ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଇଛି ନିହାତି ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମହିଳାମାନେ ସରକାରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛି ତାଲିବାନ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା, ସରକାର ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ। ତାଲିବାନ ମୂର୍ଖାମିର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ପିଜି, ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ତାଲିବାନକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣି ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ। ମହିଳାମାନେ ସରକାରରେ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀ ମୁଖପାତ୍ର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସୟଦ ଜେକ୍ରୁଲା ହାସ୍ମି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا، از این چیزی که در دست امریکا و در دست از این حکومت غلام بوده، هر چقدر که نشر شده، بغیر از فحشا در دفترها دیگه چیز نشر شده، ما خود نکردیم، ما رو خود نمیماندن، نه هیچ کس نمیماندن. تمام زنا رو متهم کرد؟ نه، ما یک چیز برات میگم، یک چیز ما برات میگم، من نمیگم که تمام زنا، ما میگم که زنای افغانستان هم همی، تمام زنا در افغانستان همی حقوقه که چهار زن میاد اوجا مثال گپ چی میکنه، مظاهره میکنه، همی تظاهر از همه زنای افغانستان نمیکنه. زنای افغانستان اونمو زنا است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل سه تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کش کرده. بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه؟ خب چرا باشه؟ من همین سوالت بود، من دوال بود چرا نباشه. خب چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه او زن نمیتونه اون کارو بکنه، یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. ବାସ୍ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣି ତାହାର ଖବର। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯେମିତି ତାଲିବାନ କହିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି। 1996ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲା ତାଲିବାନ। ସେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ନଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲା
पूर्व सरकार ठारु भिन्न हेबो एथरर सरकार महिलांको मिलिबो सेमानको अधिकार किंतु से सब कथा केवल जे बाहासफट थिला विश्व को भुआ बुलाइबाकु कहा जाइथिला ताहा स्पष्ट होईछि। सरकार रे तालिबान महिलांको आदौ स्थान देइनथिबा बेले विश्वर अधिकांश देश चिंता प्रकट करुछंती। अफगानिस्तान रे महिला माने विरोध विक्षोभ करुछंती, तेबे महिलांको विरोध और विक्षोभ को बेआईन कहिबार दिनक परे तालिबान स्पष्ट करिदेला सरकार रे सेमानको आवश्यकता आदौ नाही। सेमाने केबे भी समाज रो अधा नुहंती, मंत्री काम सेमाने करि पारिबे नाही, सेमाने केवल पिला जन्म करिबे। तालिबान तार महिला विरोधी आभिमुख्य को कठोर करिबा सह विरोधी को गुली करि सेमानको मुह बंद कर देबा जारी रखिछि। कंसीर रु काबुल आसुथिबा पूर्वतन उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह को बड़ भाई रोहुल्ला सालेह को गुली करि मारि देइछंती तालिबान आतंकी। शनिवार विश्व वाणिज्य केन्द्र आक्रमण को 20 वर्ष पूरीबा को जाउथिबा बेले अफगानिस्तान रो तालिबान 2.0 सरकार ताको महेंद्र बेला बोली धर देइछि। शनिवार अफगानिस्तान रो कामचला तालिबान सरकार शपथ नेबा को जाउछि। सेपटे अफगानिस्तान रो सेना सरकार और गुइंदा को निज नियंत्रण को नहीं सारी पाकिस्तान एवं अर्थनीति को मध्य परिचालना कर। पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान मध्य व्यवसायर माध्यम थिला अमेरिकी डॉलर, किंतु एवं पाकिस्तानी मुद्रा ही हेबो दुई देश मध्य व्यवसायर विनिमयर माध्यम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। खर्च करुछंती किंतु विनियोग प्रमाणपत्र देउनाहंती। आउ विनियोग प्रमाणपत्र दाखल करिबारे राज्यर पांचोटी विभाग मुख्य खिलापकारी बोली दर्शाइछंती सीएजी। एपरिकि दसटी विभाग दस वर्षर ऊर्ध हेला विनियोग प्रमाणपत्र बकेया रखिछंती। खुशी एवं आम घर एलईडी योजनारे टंकाटिए भी खर्च होइनाही। विधानसभा सीएजी रिपोर्ट दाखल परे मुहांमुही होइछंती। एवं स्वास्थ्य विभाग 2553 कोटी टंका। एपरिकि सबु विभाग दस वर्ष हेब विनियोग प्रमाणपत्र सठिक भाव दाखल करिनथिबा दर्शाई, तेणु सीएजी रिपोर्ट को नहीं सरकार को उपरे बर्षिछंती विरोधी। वास्तविक जो आम 43 विभाग अच्छी तहार मुख्य 36 जो विभाग 36 विभाग पखापाखि 36,000 कोटी ऊर्ध टंका आपंकर अर्थ खर्च हो नपारी आपंकर संपूर्ण भाव ये विभाग गुड़िक डिफंग हो गला माने आउ विभाग आउ चालू ना। जदि पांच वर्ष तलर सीएजी रिपोर्ट देखा आंकर आसेट और लायबिलिटी रो सामंजस्य आते आदौ एपर्त भी सृष्टि कराए जदि एक्सेस एक्सपेंडिचर भी हो गोटे गोटे जगार लक्ष्य करूँ गोटे वर्ष एमती भी घटी एक्सेस एक्सपेंडिचर एवं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट भितर को आनी प्रस्तुत करा जाए नहीं। सेपटे 2008 रे आरंभ होइतिबा सरकार को फ्लैगशिप योजना खुशी एवं आम घरे एलईडी योजना रे व्यवपराध होइतिबा अर्थराशि टंकाटिए भी खर्च होइना ही। एहा बाद कंटिजेंसी फंड रे मध्य मिलिथिबा 198 कोटी टंकार अर्थराशि को 12 टी विभाग किपरि खर्च करिछंती तहार हिसाब नाही।
जहाँ को नहीं खोद सीएजी भी टंका सब सठिक दिगरे खर्च हो नई संदेह प्रकाश कर तेज सीएजी रिपोर्ट को नहीं शुणु कौन कहते शासक दल विधायक योजना सब लोक अभिप्रेत जिते बड़े जो आवश्यक से खर्च हम एवं जो गुड़िक आवश्यकता नहीं सरकार जाशु जदि योजना प्रचलन कलापर क्षणी उथेल कर आर्थिक परिचालन रे अव्यवस्था दर्शाइबा सह उच्च शिक्षा को नहीं सीएजी देइथिबा रिपोर्ट रे शिक्षा क्षेत्र को नहीं सरकार को आंतरिकता उपरे उठाई प्रश्नवाची। भुवनेश्वर रु कैमरामैन आशीष दास को सह महेश प्रसाद नंद न्यूज एट नोडिया। आज पार्वण रो आद्य पर्व गणेश पूजा कोरोना कटकणा माहौल भितरे फीका पड़ी पार्वण रो परिवेश सार्वजनीन पूजा उपरे रोक लागिथिबारु निराडंबर रे पालित होईछि विघ्नेश्वर को आवाहन कोरोना कटकणा भितरे भिन्न भिन्न ढंग रे विभिन्न स्थान रे पालन होईछि पूजा। अग्र पूज्यंक पूजा कोरोना कटकणा भितरे राजधानी रो स्कूल कॉलेज ओ मंडप परे होईछि गजाननक आराधना। यूनिट 8 सरस्वती शिशु मंदिर रे पिला माने करिछंती सामूहिक पूजा। घरु निज निज गणेश मूर्ति आनी स्थापना करिबा सह दीप धूप नैवेद्य सह वैदिक रीतिनीति रे मंत्र उच्चारण करिथिले। सामाजिक दूरता रक्षा करी मास्क पिंधि पूजा करिथिले 20 जन छात्र-छात्री। सेपटे फॉरेस्ट पार्क रे पूजा पाइछंती नियारा गणेश। गछकु गणेशक रूप देई पूजा करिछंती बकुल पाठागारर सदस्य। सांस्कृतिक सहर कटक रे कुनी कुनी हातरे गणपति को मूर्ति तयारी करिछि मुसलमान संप्रदायर छात्र। हिंदू मुस्लिम समस्त एकाठी होई विद्यादाता को आवाहन करिबा सह भाईचारार अनन्य निदर्शन देखाई छथि। गणेश पूजा आमे निजे घरु मूर्ति आनी दीप सब घरु नेकि आसुछु एवं एठी अर्चना कार्यक्रम चलछि सेठी योगदान देकि ठाकुर को पूजा करूछु। प्रकृति आउ मनुष्य सब सेथिरे मिसिछि तो सेथिपे आमको लागिला कि गणेश को गोटे गच्छ हिसाब रे पूजा करिबा बहुत नेचुरल आ आमर भी गोटे तो संस्कृति रे रहिछि गच्छ को पूजा करिबा। हैंड रुक को आसिले आमे फर्स्ट ड्रॉइंग करलु तापर कार्डबोर्ड रु स्टार्ट करी माटी छोट छोट मूर्ति तयार करलु तापर आस्ते आस्ते करी गोटे बड़ चेष्टा करलु कि बड़ मूर्ति तयार हे परबा बोली चेष्टा करलु। सेपटे ब्रह्मपुर सहर रा बालुका शिल्पी सत्य महाराणा नियारा गणेश को प्रतिमूर्ति तयारी करी पूजा अर्चना करिछंती। 11 प्रकार खाद्य शस्यरे गणेशंक प्रतिमूर्ति निर्माण से करिछंती। मुग कांदुल बिरी मसूरी साबी चाउल सोरिष जीरा डालिया कोळथ गहम और लवंग भली खाद्य शस्यरे निर्माण करिथिबा गणेश प्रतिमूर्तिर उच्चता 18 इंच ओसार 14 इंच रहिछि। एथिसहित से काठरे 8टी गणेश मूर्ति निर्माण करिछंती जहार उच्चता 4-9 इंच मध्यरे रहिछि। पूरी कुंभारपड़ा अंचलर युवशिल्पी शाश्वत रंजन साहू केवल दियाश्री काठी निर्माण करिछंती 23 इंच लंब और 22 इंच चौड़ार गणेश मूर्ति। एक निखुण कलाकृति में प्राय 5621 दियाश्री काठी व्यवहार होइछि। एक गणेश प्रतिमूर्ति में जगन्नाथों रूप देइछंती शाश्वत। गणेश पूजा गोटे नियारा ढंग से बनई जहाँकि खाद्य शस्य बनी 11 प्रकार खाद्य शस्य नहीं गणेश मूर्ति बनाई जार उच्चता अच्छी 18 इंच ओसार अच्छी 14 इंच तो बनाऊ पाखापाखि मत 4 घंटा समय था। गणेश एक प्रतिमूर्ति निर्माण करती ए मत 8 दिन समय लगी 5621 डीएसएल काठी व्यवहार होती यार लंबा 23 इंच और चौड़ा 22 इंच रही। विघ्न विनाशकों आराधन एथर भी विघ्न साजिश कोरोना सार्वजनीन पूजा उपरे प्रशासन कटकणा जो फीका पड़ी पार्वण आद्य पर्व। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एट नोडिया। पाखे आसला प्रतीक्षार बेला इष्टदेवी पूजार्चना सहित अर्पण हेबो नवान्न तापरे घरे बसी परिवार सबु सदस्य खाइबे नुआ नुआ मन नुआ उत्साह नुआ उद्दीपनारे उत्सव मुखर हो उठी पश्चिम ओडिशा। कलाहांडी धर्मगढ़ खोली स्वतंत्र बजार सेपटे सुवर्णपुर महिमा पीठरे व्यापक आयोजन सेभली बरगढ़ जिलार दुईटी गाँ एकाठी नुआ खाइबापाई नेइछंती निष्पत्ति आउ सेपटे संबलपुर को दूर दूरांतर फेरुछंती लोके। राती पाहिले नुआखाई गणपर्व को नहीं उत्सव मुखर पश्चिम ओडिशा इष्टदेवी को नवान्न देवे घरे परिवार सब सदस्य बसी नुआ खाइबे। घर को फेरिले दूर से रहुतिबा सदस्य बस ट्रेन जोगे आसी संबलपुर रे पहुंचंती। घरे घरे प्रस्तुत होई गलानी पिठा मीठा स्वादिया व्यंजन। ये जेन थिले हेले भी जेन राज्य जेन देश थिले हेले भी नुआखाई से घिड़पिड़े करी आसबा सीधा
ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ସେ ନୂଆଟା ଖାଇବା। ବଜାର ପାଳି ବି ନୁହେଁ, ଜାଗା ଜାଗା ନେ ପୁରା ଧାନ ଦେଖିବେ, ଖଲି ଚଉତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଇ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଯେତିକି ପୂଜା ପାଠର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଏଇଟା ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତିହାର ସବୁ ହେଲାନ, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଘର ଯାଉଛୁ। ଯେ ଯେ ନଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସବୁ କୁଟୁମ୍ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଜାର, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲାଗେ ଏଇ ବଜାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ର ଏଇ ନୂଆଖାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ହାଟରେ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଦ ଦେଭୋଗ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଧର୍ମଗଡ଼ ହାଟକୁ ଆସି ନୂଆଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣନ୍ତି। ବର୍ଷକ ପାଇଁ ହାଟ ବସୁଥିବାରୁ ଦରଦାମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି ଲୋକେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଲାଗି ସବୁକିଛି ମିଳୁଛେ, ନା ମିଳୁଛେ, ତାଠୁ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଖୋଜୁଛେ ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଖାଇସୁଁ, ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୀତି ହିସାବରେ କୁରେଇ ପତର, ତାପରେ ଗଲା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଧାନ ଏସବୁ ମିଳୁଛେ। ଧରମଗଡ଼ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ହେ ଶୁକ୍ରବାର ଓ ନୂଆଖାଇ ମାର୍କେଟ ହେଇଏ, ଆମ ନୟା ଖାନେ କେ ଲିଏ ଇସି ମାର୍କେଟ ପେ ଡିପେଣ୍ଡ କରତେ ହେଁ, ଅର୍ ସଟା ହୁଆ ଇଲାକା ହେ ଆମରା, ଇସି କାରଣ ସେ ପୁରା ମାର୍କେଟିଂ ଧରମଗଡ଼ ସେ ହିଁ କରନା ପଡ଼ତା ହେ ଆମ ଲୋକ। ନୂଆଖାଇର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିବେ ନୂଆଖାଇ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକର କଠାରପାଲି ଓ ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକର ସାନସରାଇପାଲି ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ ଝାଙ୍କରକୁ ଅଢ଼ିଆ ଭାର ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ନୂଆଖାଇ ତିହାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଝାଙ୍କରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହିଳାମାନେ ଘର ଅଗଣାରେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ନାନା ରକମର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବରେ ଶ୍ରମିକ, ଚାଷୀ, ଜନସାଧାରଣ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ତିହାର ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଶୁକ୍ରବାର ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଶନିବାର ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ସମସ୍ତ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏକ ନିଛାଡ଼ ଶୁନଶାନ ସମୟରେ ହିଁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ କେତେ ପ୍ରକାର ତୁନ ରନ୍ଧାଯିବା, କେଁକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବା, ସବୁ ଇଟା ଆମେ ମାସେ ଆଗନୁ ସବୁଥିର ଲିଷ୍ଟ କରସୁଁ। ଆମେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିକି ଏଥର ନୂଆଖାଇକି ସବୁ ଆମେ ଗାଁନୁ ଫେରି ଥାନ୍କେ ଖେମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବିଛୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ପର୍ବ ହେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଅନ୍ନ। ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରାଇ ଯାଇକିରି ତାର୍ପରେ ଯିଏ ଖୁଆଇ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛନ୍, ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ